Hello, good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंज इन द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली 9:45 बजे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि होती है डेली वोकैबुलरी की, जिसके अंदर अपन 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि अपन कवर करते हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। डजंट मैटर यू आर गिविंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, जीआरई, कैट, मैट, आप इंडिया का कोई सही पेपर दे लीजिए दोस्तों, हर जगह आपको ये वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी बेनिफिट हो रहा होगा। डेली क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे और इसी तरीके से करते रहेंगे तो काफी आपके जो क्वेश्चन है वो भी आपके सही होंगे, और साथ में आपकी जो वोकैबुलरी, जो आपका खुद का जो डिक्शनरी है आपके ब्रेन के अंदर, आपके वो भी काफी इंप्रूव होगी। ओके, और सुन दोस्तों, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च ए कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर मैं आपके लिए एक महीने के अंदर 1.5 या 2,000 वोकैबुलरी जो है वो मैं आपको याद करवाऊंगा। ओके, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की हेल्प से, जो कि टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से वी आर प्लानिंग टू डू डैट। तो सुन ही मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, दिवाली के बाद में, दिवाली तो हो गई है ऑलमोस्ट, और हो गई है अभी, अपन देखते हैं 12 तारीख के बाद में देखते हैं कि कैसा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनका 1-2 महीने पेपर में रह जाते हैं, तो फिर वो क्या वोकैबुलरी कर नहीं पाते। आपको पता है ना, कोई वोकैबुलरी कोई एक या 1-1.5 महीने में आप 10-10, 15-15 वोकैबुलरी अपने तरीकों से पढ़ोगे तो नहीं याद कर पाओगे, एग्जाम में नहीं स्कोर कर पाओगे। हाँ, लेकिन डेडिकेटली अगर आपने दिन में 2 घंटे क्लास अगर मैं आपको देता हूँ और उसके बाद में अगर अपन डेली की 50 वोकैबुलरी अच्छे तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली 1.5-2 हज़ार जो कि बहुत ही इफेक्टिव जो पेपर में आती है, CDS हो गया, डिफेंस के एग्जाम्स जितने भी हैं सभी एग्जाम्स के अंदर आती है जो है, उन सबको अगर अपन कवर करते हैं तो उसके बाहर आपके कोई भी वोकैबुलरी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड के साथ में। पहला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंसिक्वेंसेज। ठीक है, किसी भी चीज के जो कंसिक्वेंसेज होते हैं कोई काम करने के बाद में, उसको अपन रिपरकशन कहते हैं, प्रति प्रभाव जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। रिवर्बरेशन भी इसको कह सकते हैं, सिंपल वर्ड है, बाकी सारे आसान है। ठीक, देखिए ये वर्ड मैं पहले भी कई बार करा चुका हूं आपको, जैसे पुस्तक के प्रकाशन होंगे वैसे ही रिपरकशन होंगे। जैसे ही पुस्तक के प्रकाशक, यानी कि जैसे बुक के पब्लिशर होंगे ना, वैसे ही उस बुक के जो है ना वो रिजल्ट आएंगे। आप अच्छी जो है बुक्स क्यों पढ़ते हो, क्योंकि उसके पब्लिशर बहुत अच्छे होते हैं, उसके राइटर बहुत अच्छे होते हैं। भाई कोरिलेटेड है, जो अच्छे पब्लिशर है वो अच्छे राइटर की ही बुक लिखते ज्यादातर, और जो अच्छे राइटर की होगी किताब वो आपकी बहुत बेनिफिट करेगी, और वैसे ही उल्टा होता है इसका। जैसे अगर कोई बेकार राइटर है तो बेकार पब्लिशर होंगे और उसके रिजल्ट भी फिर बेकार ही होंगे। तो जैसे पुस्तक के प्रकाशन होंगे ना वैसे ही उसके रिपरकशन होंगे, यानी कि वैसे ही उसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। आपको बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आप कई चीजें गलत अपने दिमाग में फिट कर लोगे जो ऑथर ने गलत लिखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशन से रिपरकशन को कोरिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है जो कि है सरकमवेंट। सरकमवेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि दरकिनार करना। अगर आप किसी भी चीज को अवॉइड कर रहे हो तो उसको अपन कहते हैं सरकमवेंट। इवेड, डॉज, आउटविड अच्छा वर्ड है, बाकी सब सिंपल है। ठीक, देखिए सर्कस को आजकल लोग सरकमवेंट कर रहे हैं। आज से 10-20 साल पहले दोस्तों आपने देखा होगा सर्कस का कितना चाव हुआ करता था, लोग कितना सर्कस में इंटरेस्ट हुआ करते थे। एक शहर में सर्कस लगता था तो पूरे जाम लग जाया करता था पूरे शहर के अंदर उस दिन। लेकिन अब आज के टाइम पे सर्कस देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। लोग सर्कस को सरकमवेंट कर रहे हैं, यानी कि इसको दरकिनार कर रहे हैं। तो सर्कस को आप क्या कर सकते हो, सरकमवेंट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अगला जो वर्ड है वो है डेलिमिटेशन। डेलिमिटेशन एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को, बाउंड्रीज को पता करना, लिमिट कर देना, ठीक है, हदबंदी कर देना। तो जब आप कोई अपनी लिमिट को रोक लेता है, डिसाइड कर लेता है, तो अपन उसको डेलिमिटेशन भी कहते हैं। अपने लिमिट को डिसाइड कर लेना, बना लेना, उसको कहते हैं। ठीक, देखिए अपने लिमिट्स को डेलिमिटेशन मत करो हार्डवर्क की। तो कई लोग होते हैं दोस्तों जो कि अपने सोच लेते हैं कि मैं तो 4 घंटे ही पढ़ सकता हूँ,
इससे ज़्यादा मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है। तो उसने क्या कर लिया, अपने लिमिट को क्या कर लिया, डेलिमिटेशन कर लिया, यानी कि उसने रोक दिया, लिमिट बना ली अपनी। ऐसा कुछ भी नहीं, आप 4 घंटे नहीं, आप 14 घंटे भी पढ़ सकते हो, बस थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट को डेलिमिटेशन से भी कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। अपने लिमिट्स को डेलिमिटेशन मत करो हार्डवर्क की, यानी कि रोको मत। अगला वर्ड है ओब्लिक, ठीक है, ओब्लिक। ओब्लिक जो है इसका मतलब होता है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तिरछा या चक्केदार। कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड होगी, वन साइड इंक्लाइंड होगी, उसको अपन कहते हैं। सर्कटियस अच्छा वर्ड है, डेवियस अच्छा वर्ड है। ठीक, देखिए ये लीक से हटकर ओब्लिक बनाया हुआ है। तो कोई ये एक बिल्डिंग है जो कि लीक से हटकर बनी हुई है, पूरी की पूरी तिरछी बनी हुई है, देख सकते हो ना आप, तो इसको अपन ओब्लिक भी कहते हैं। ये लीक से हटकर है, बिल्डिंग सीधी होती है हमेशा, ये लीक से हटके बिल्डिंग है और ओब्लिक बिल्डिंग है, यानी कि बहुत ही तिरछी बिल्डिंग है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लीक को ओब्लिक से भी कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है जो कि क्या है, फ्रॉट। फ्रॉट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भरपूर, जो चीज पूरी भरी हुई होती है किसी चीज से, उसको अपन फ्रॉट कहते हैं। ओके, और रैपलेट अच्छा वर्ड है, बाकी सब तो सिंपल है। ठीक, देखिए ये पेड़ फ्रूट से फ्रॉट है, बिल्कुल सही बात है। ये जो पेड़ है आपके सामने इमेज में, ये एप्पल से पूरी तरीके से फ्रॉट है, यानी कि फ्रूट से फ्रॉट है, यानी कि भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि भरा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रूट को फ्रॉट से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है जो कि है मैंडेट, वर्ब है जिसका मतलब होता है अनिवार्य करना। ये वर्ड हमने एक दो दिन पहले भी कवर किया है। मैंडेट कैसे याद किया था, ये मैन कुछ भी मैंडेट दे देता है, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, पता है ना, कभी भी जो मन चाहे मैंडेट दे देता है, भाई ये करो वो करो। तो मैंडेट का मतलब होता है आदेश। तो ये मैन जो है कुछ भी मैंडेट दे देता है। तो आप इस तरीके से मैन को मैंडेट से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। एक्रीडेशन भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, बाकी सब तो सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, वो है यहाँ पे क्या है, मैनूवरिंग। मैनूवरिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है केयरफुली प्लान करना कुछ चीज को, पैतरेबाजी करना, उसको अपन कहते हैं मैनूवरिंग। टैक्टिक बोल सकते हैं, मैशिनेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इंट्रिक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, बाकी सब डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक, देखिए मैन को अल्योर करने के लिए मैनूवरिंग करते हैं, यानी कि मैन को अल्योर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैतरेबाजी अपनाते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्कीम्स लेके आते हैं लोग, या पैसे दो के 4 करने को 4 के 8 करने को, तो मैन को अल्योर करने के लिए, यानी कि लालच देने के लिए मैन्यूअरिंग करते हैं, यानी कि पैथरेबाजी करते हैं। तो मैन को अल्योर को मैन्यूअरिंग से आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो कि है प्रील्यूड, एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रस्तावना देना। जब आप किसी को कोई चीज के लिए लालच देते हो, प्रस्ताव देते हो, तो उसको अपन कहते हैं। ओके, इनिशियल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हो ना अगर आप किसी चीज से, तो उसको अपन प्रील्यूड कहते हैं। इपीलॉग अच्छा वर्ड है, कंक्लूजन को कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक, देखिए प्री एग्जाम प्रील्यूड एग्जाम है, बिल्कुल सही बात है। आप अगर कोई भी एग्जाम का प्री एग्जाम देते हो तो वो प्रील्यूड ही तो है, स्टार्ट ही तो हुआ है अभी पेपर आपका। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो प्री को आप क्या कर सकते हो, प्रील्यूड से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। प्रील्यूड का मतलब हुआ किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन जो कि होता है। अगला वर्ड देखते हैं जो कि लूमिंग। लूमिंग एक वर्ब है जिसका मतलब है जो ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो, लार्ज हो, ठीक है, और अनक्लियर हो, वेग हो, वेग का मतलब अनक्लियर हो, उसको अपन कहते हैं लूमिंग। ओके, मिनेसिंग भी अच्छा मतलब है, अच्छा वर्ड है। इम्पेंडिंग मिनेसिंग का मतलब खतरा जो होता है, बहुत ही उभरता हुआ। ठीक, देखिए डूम से पहले लूम आता है, बिल्कुल सही बात है। डूम का मतलब होता है तबाही, डूम से पहले हमेशा क्या आता है, लूम आता है, यानी कि क्या होता है, पूरा का पूरा बहुत बड़े कंडीशन अनक्लियर हो जाती है, क्लाउड आ जाते हैं बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ही बड़े बड़े थ्रेटनिंग स्टाइल के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, डूम को लूम से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, डूम को लूम से, कि डूम से पहले सब लूमिंग हो जाता है, यानी कि सब बहुत बड़ा और बहुत ही थ्रेटनिंग जैसा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जो अगला वो क्या देखते हैं, एक्सर्बेटिंग। एक्सर्बेटिंग जो है वो वर्ब है जिसका मतलब होता है कंडीशन जो बदतर से और बदतर हो जाना, बहुत ही खराब हो जाना। क्रिकेट में बैटिंग करोगे तो कंडीशन एक्सर्बेटिंग हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्रिकेट के अंदर अगर आप बैटिंग करोगे, अगर आप पैसे लगाओगे, सट्टेबाजी करोगे, तो कंडीशन कैसे हो जाएगी, एक्सर्बेटिंग हो जाएगी, यानी कि बैटिंग करने से एक्सर्बेटिंग कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बहुत खराब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके क्रिकेट करियर खत्म हो गए, जिनके जेल चले गए, जिनके पूरी जीवन खराब हो गया, किस चक्कर में, बैटिंग के चक्कर में। तो क्रिकेट में बैटिंग करोगे तो कंडीशन कैसा हो जाएगी, एक्सेसर बैटिंग हो जाएगी, यानी कि
बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी। आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, मैं इस कॉलम से रिवाइज कर लेते हैं। रिपरकशन मैंने आपको बताया था, जैसे पुस्तक के प्रकाशक वैसे रिपरकशन यानी कि उसके कंसिक्वेंसेज। सर्कस को आजकल लोग सर्कमवेंट कर रहे हैं यानी कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज करिए दोस्तों, मेरी आवाज को पॉज कर दीजिए और खुद जो है वो यहां पे कोरिलेट करिए कैसे हमने आज याद किया है। दिमाग को दौड़ाइए थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा फास्ट काम में लीजिए, उससे अगर आप 10 में से 5-6 वर्ड भी अगर आप कोरिलेट कर पाए, अगर आपको याद रहे ना इनका मीनिंग, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है सब कुछ, आप इसको फ्यूचर में भी याद रखेंगे, अब याद रख पा रहे हैं तो, है ना। डेलिमिटेशन ये एक एक्सरसाइज है आपके ब्रेन की, तो लिमिट डिसाइड कर ली तो क्या हो गया, डेलिमिटेशन कर लिया यानी कि लिमिट को डिसाइड कर लेना। ऑप्लीक, ये लीक जो है वो ऑप्लीक से भी बड़ी हो गई है, मतलब ऑप्लीक है ये, लीक से हटकर ऑप्लीक है यानी कि बहुत ही तिरछा है। ये पेड़ फ्रूट से फ्रॉट है यानी कि भरा हुआ है। ये मैन कुछ भी मैंडेट दे देते हैं यानी कि कुछ भी आदेश दे देते हैं। मैन्युअरिंग, मैन को अल्योर करके मैन्युअरिंग करते हैं यानी कि पैतरेबाजी। प्रील्यूड, तो प्री एग्जाम क्या है, प्रील्यूड है यानी कि इंट्रोडक्शन है अभी तो एग्जाम का। डूम के टाइम पे लूमिंग हो जाता है यानी कि थ्रेटनिंग और बहुत ही बड़ी चीजें आ जाती है। और एक्सेसरबेटिंग, तो क्रिकेट में बैटिंग करोगे तो एक्सेसरबेटिंग हो जाएगा यानी कि कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों 10 वोकैबुलरी को कोलेक्ट करके आसानी से याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट वीक जो आएगा मंडे से, तब मैं आपके लिए वापस से जो आपके एक ट्रिक ऑफ द डे है, साथ में पैराग्राफ फॉर्मेशन है, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो सब भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, अभी देखिए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग डेली शेयर करेंगे वीडियो को, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।